शाहरुख खान करेंगे मुजफ्फरपुर मास रेप केस पर बेस्ड एक फिल्म को प्रोड्यूस। इस रियल लाइफ हॉरिफाइंग स्टोरी को शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर लाने का किया है फैसला। संजय मिश्रा की फिल्म कामयाब के बाद ये सेकंड थोड़ी हटके फिल्म होगी जिसे शाहरुख खान प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म को डायरेक्टर पुलकित डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर बेस्ड एक शो और 2017 में मरून फिल्म बनाई थी। कहा जा रहा है कि फिल्म की टीम ने इस इशू पर काफी अच्छी तरह से रिसर्च किया है और 2018 में इस केस के आने के बाद से ही इस फिल्म पर काम उन्होंने शुरू कर दिया था। अब शाहरुख खान जब इस रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी को सपोर्ट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली रीच मासेस। वैसे इस फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो द केस ऑफ मुजफ्फरपुर केम टू लाइट ऑन May 26, 2018 आफ्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द बिहार गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट में सामने आया कि कैसे शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। इस रिपोर्ट में स्पेशली मुजफ्फरपुर के एक एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति का मेंशन था, जहां सबसे हॉरिफिक इंसिडेंट हुए थे। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो ज्यादातर न्यू एक्टर्स इस फिल्म में नजर आएंगे और फिल्म की कास्टिंग जल्द ही शुरू की जा सकती है। वैसे शाहरुख खान ने जब से सबैटिकल लिया है वो अपने प्रोडक्शन हाउस पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है, साथ ही वो कई फिल्म मेकर्स के नए आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जहां तक उनकी कमबैक फिल्म की बात है तो शाहरुख खान ने रिपोर्टेडली राजकुमार हिरानी के साथ एक फिल्म साइन कर ली है, जिसकी शूटिंग वो कुछ ही समय में लंदन में शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ड्यूओ राजन डीके ने भी कंफर्म किया है कि शाहरुख खान से उन्होंने एक फिल्म के सिलसिले में मुलाकात की है और वो उनके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में फैंस की तरह हम भी जानना चाहते हैं कौन सी होगी शाहरुख खान की कमबैक फिल्म। Watch E Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.